हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जिसका सब्जेक्ट कोड है BB401T जो कि बेस्ड है AKTU बी फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर। इसका 45th लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और अभी तक जो 5th यूनिट है उसमें हम लोगों ने कई सारी नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ा, जैसे सोडियम बोरोहाइड्रेट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्लिमेंसन रिएक्शन, बर्च रिडक्शन, उल्फ-किस्नर रिडक्शन, ओपनर ऑक्सीडेशन, डेकिन रिएक्शन, बेकमैन रीअरेंजमेंट, सिमिट्री अरेंजमेंट। तो अब तक 44 लेक्चर्स में आपके सिलेबस के कवर कर चुका हूँ, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अभी तक आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो वहाँ पर जा करके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस सेमेस्टर के लास्ट टॉपिक के, दैट इज़ अ क्लेजन सिमिट कंडेंसेशन रिएक्शन की। तो क्लेजन सिमिट कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है वो पहले हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर जिसकी जो डिस्कवरी है 2 साइंटिस्ट ने मिलकर की थी। पहले साइंटिस्ट थे रेनर लुडविक क्लेजन और दूसरे साइंटिस्ट थे J.G. सिमिट। तो इन दोनों के कंबाइंड नेम पर इस रिएक्शन को क्लेजन सिमिट कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। इट इज़ अ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड कीटोन कंडेंस विद एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH एंड प्रोड्यूस बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने हैं जिसमें से एक में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए और ये एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। फिर दूसरा कंपाउंड लेना है एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। इन दोनों के जब आपस में रिएक्शन कराई जाती है किसी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स प्रोड्यूस करते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड यील्ड्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। फिर जो ये बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनता है ये डिहाइड्रेशन करने के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो एस्टोफिनोन मैंने लिया हुआ है जो कि एक कीटोन है, एस्टोफिनोन है जो कीटोन है और इस एस्टोफिनोन में अल्फा हाइड्रोजन है, ये इसकी अल्फा पोजिशन है और अल्फा पोजिशन पर 3 हाइड्रोजन प्रजेंट हैं। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। दूसरी तरफ दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ये भी एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड यहाँ पे लिया हुआ है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जनरली इसकी अल्फा पोजीशन की बात करें तो ये अल्फा पोजीशन है और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो दो कंपाउंड ऐसे लेने हैं, एक ऐसा कीटोन लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरा ऐसा लेना है जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तभी क्लेजन सिमिट रिएक्शन होगी। जब QH डाल के रिएक्शन कराई जाती है तो अल्फा बीटा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है। जनरली जो है आप देख सकते हो इसकी जो अल्फा पोजीशन है और इसका जो ये H है इसके बीच में एक नया बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अल्फा बीटा बॉन्ड। CO के हिसाब से देखा जाए तो अल्फा बीटा बॉन्ड है। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। जनरली ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है और बहुत ही आसानी से कन्वर्ट हो जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में। यहाँ पे जो H जुड़ा हुआ है ये H और जो OH है ये बाहर आसानी से निकल जाता है और निकल करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना लेता है। तो क्लेजन सिमिट कंडेंसेशन रिएक्शन से जिसके थ्रू चारकोन का निर्माण किया जाता है। इसकी मैकेनिज्म देखी जाए तो सबसे पहले एस्टोफिनोन जो अल्फा हाइड्रोजन है और इसको जैसे ही बेस मिलता है तो इससे हाइड्रोजन आसानी से निकल जाता है। तो OH क्या करता है, एक H को बाहर निकाल लेता है और H2O फॉर्म में और इस तरीके से कार्बेनोइन में जनरेट हो जाता है। तो जितने भी CO ग्रुप के अल्फा हाइड्रोजन वाले हाइड्रोजन हैं उनको किसी भी बेस डाल करके आसानी से H को बाहर निकाला जा सकता है और इसको कार्बेनोइन में जनरेट किया जा सकता है। तो ये जो कार्बेनोइन जनरेट होता है, कार्बेनोइंस के हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे CO- है, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कीटोनिक फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है इनोलेट में, डबल बॉन्ड O- में,
तो दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बनते हैं। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, जो ये डबल बॉन्ड है ये अटैक करता है दूसरे कंपाउंड पे जिस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसके एल्डिहाइड के कार्बोनिल के कार्बन सेंटर पर। तो इस तरीके से आपका सी डबल बॉन्ड ओ अल्फा बीटा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ओ पे आता है माइनस चार्ज। ओ पे माइनस चार्ज ख़त्म करने के लिए ओ क्या करता है, वाटर से एक एच प्लस ले लेता है, माइनस ओ एच निकल जाता है जिससे आपका बीटा हाइड्रोक्सिक कीटोन बन जाता है। तो बीटा हाइड्रोक्सिक कीटोन से ओ एच जो है ओ एच वापस जो है अल्फा पोजीशन से एच को बाहर निकाल लेता है, जो अल्फा पोजीशन है यहाँ पे इसे एच को बाहर निकालता है और साथ में इसका ओ एच बाहर निकल जाता है। इस तरीके से एच टू ओ यहाँ पे बाहर निकलता है और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बन जाता है। अगर हम लोग इस रिएक्शन के एग्जांपल की बात करें तो प्रोपेन टू ओन एग्जांपल लिया हुआ है हमने, ये आपका प्रोपेन टू ओन की रिएक्शन कराई गई है बेंजल्डिहाइड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा बीटा डबल बॉन्ड बन गया है एनएच डालने पर। फिर आपका ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती, आगे फिर से होती है क्योंकि दोनों तरफ इसके अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक साइड में रिएक्शन होने के बाद दोबारा फिर से अगर बेंजल्डिहाइड ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इस साइड फिर से जो है क्लेजन सेमेट रिएक्शन हो जाती है और तो दो बार यहाँ पे अल्फा बीटा डाइसेचुएटेड कीटोन बनता हुआ दिखाई देता है। अगर हम लोग एस्टोफिनोन की रिएक्शन कराते हैं बेंजल्डिहाइड से, एस्टोफिनोन है इसकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से कराते हैं NOH की प्रेजेंस में, तो चालकोन बनता है। तो जनरली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन जो होते हैं बेंजीडिंग प्रेजेंट होती है ये चालकोन कहलाते हैं, तो यहाँ पे चालकोन का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली अगर हम लोग साइक्लोहेक्सोनोन की रिएक्शन करा दें बेंजल्डिहाइड से, तो आपका NOH की प्रेजेंस में तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा जिसमें हम देख सकते हो दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों साइड में एक बेंजाइल रिंग जुड़ती हुई दिखाई देगी साइक्लोहेक्सेन से। तो ये थे कुछ क्लेजन सिमिट कंडीशन रिएक्शन के एग्जांपल्स। तो ये थी यूनिट 5। अब हम लोग देख लेते हैं इस यूनिट के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो क्या हैं। तो आपका जो एक क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स में इस यूनिट से वो है डैकिन रिएक्शन, व्हाट राइट द अबाउट डैकिन रिएक्शन लिखनी है। तो फिर आपका नेम द रिड्यूसिंग एजेंट यूज इन क्लेमेंसन रिडक्शन में, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज किया जाता है उसके बारे में लिखना है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है ग्यू केमिकल रिएक्शन यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड डायरेक्टली इनटू एल्केन, एल्डिहाइड को डायरेक्टली एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है। फिर आपका पूछा गया है गिव इम्पोर्टेंट ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। गिव रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर सिमिट रीअरेंजमेंट 7 मार्क्स में पूछी गई है। गिव शॉर्ट नोट ऑन उल्फ किस्टनर रिडक्शन 7 नंबर में पूछा गया है। और फिर एक्सप्लेन द बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन विद एग्जाम्पल भी 7 मार्क्स में पूछा गया है। गिव डिफिनेशन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर उल्फ किस्टनर एंड डैकिन रिएक्शन पूछा गया 10 मार्क्स में। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आपको जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसमें मैकेनिज्म रिएक्शन और सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो ये था आपका लास्ट लेक्चर्स सेमेस्टर 4 फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 का। तो आप लोग जो प्रीवियस लेक्चर्स देख करके अपना नॉलेज गेन करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ नए केमिस्ट्री के टॉपिक्स लेकर के।